ऐसा कि सर्वविदित है कि कष्ट के क्षणों में रामचरितमानस सदैव प्रेरणीय रहा है, और आजकल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में अंदर मुलाकात भी बंद है। बंदियों के मनोदशा जो है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराया जाए, जिसमें बंदियों के मध्य जब ये प्रस्ताव आया, बंदियों की तरफ से ही प्रस्ताव आया, तो बंदियों ने शहर से इसमें कहा कि हम अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे, और सभी ने अपने दिल से कार्य किया है जी। चूँकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें किसी एक आदमी के निर्णय लेने से कार्य नहीं होता है, सामूहिक रूप से कार्य करने से ये कार्य सम्पन्न होते हैं। इसीलिए पहले हमने इस चीज़ के लिए टीम बनाई, पात्रों का चयन किया। हमारे पास कुछ अनुभवी व्यक्ति थे जो लोग पहले से रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराते थे, उनके अनुभव का भी हमको लाभ मिला। इसलिए हमारे पास एक ऐसी परफेक्ट टीम तैयार हुई, फिर उनकी रिहर्सल काफ़ी लंबे समय तक रिहर्सल चली, उसका परिणाम आज आपके सामने है। कहता मैं जाकर छोड़ चले आते गरुड़ भवन, शंकर से विनती करता हिल जाता उसका भी सिंहासन। हे राजन, मांगी है तुझसे ये घटा, इसीलिए मुझे संताप हुआ, दुख तुझको भी हुआ, मुझको भी मेरे पुण्य कार्य में। हे राजन, इस पुण्य की जगह तेरे पाप कर दिया, तेरा राज पाठ कुछ नहीं चाहिए, देना है तो राम लक्ष्मण देना, वरना सामना कर चलता।